है आपका हरीश वर्तिका किचन में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्राई मसाला एग। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंडों को उबाल लेंगे। तो अंडे उबालने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, और जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद बड़ी सावधानी से हम एक एक करके इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अब इसे हम फुल फ्लेम पर 8 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब सबसे पहले हम गैस पे एक बर्तन को चढ़ाएंगे, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 60 ml ऑयल। सरसों का तेल यूज कर रही हूँ दोस्तों, तो इसे सबसे पहले अच्छे से गर्म होने दें। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इस एक फोक की हेल्प से अंडों में ना थोड़े से छेद कर लेंगे इस तरीके से, इससे अंडे फटते नहीं है। तो अब बारी अंडों को फ्राई करने की। आप सोच रहे होंगे कि हमने अंडे तो उबालने के लिए 7 डाले थे, लेकिन अभी 6 ही अंडे रह गए, तो एक अंडा जो है वो मेरी बेटी ने ले लिया। बॉयल एग बहुत पसंद है। तो अब इसी तेल में मैं थोड़ा सा तेल और ऐड कर रही हूँ, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। अब इस तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल अब हो गया है गर्म, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, और जैसे ही जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये 3 मीडियम साइज के प्याज है दोस्तों, और इन्हें मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब इसे हम फुल फ्लेम पर भूनेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, और हमारा जो प्याज है वो पक गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनको भी मैंने ऐसे ही कट किया जैसे मैंने प्याज को कट किया था। तो अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है लो। टमाटर के साथ मैं इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करूंगी, जूलियन कटा हुआ अदरक है ये, और हरी मिर्च ऐड करूंगी। इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने सूखे मसाले। 3/4 टीस्पून नमक, 3/4 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, लगभग 2 टीस्पून हम अपना होममेड मसाला ऐड करेंगे। इस मसाले में धनिया और जीरा 2:1 की रेशियो में पिसवाया है, तो हम अपनी ज्यादातर वीडियोस में यही मसाला यूज करते हैं, और आप भी इसे पिसवाइए और इसे यूज कीजिए, बहुत बढ़िया लगता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है बढ़िया से मिक्स। और अब अपने टमाटर और मसाले को पकने के लिए हमने इसे ढक करके छोड़ देना है लगभग 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए दोस्तों, अब इसे हम खोल लेते हैं। तो हमारे टमाटर और हमारे मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो गए हैं। प्याज और टमाटर की एक चटपटी सी भुजिया तैयार है। अब इसमें हम अंडे ऐड करेंगे, लेकिन अंडे ऐड करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी, जो इसके स्वाद को और इन्हेंस कर देगा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे, और अंडे को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा से मिक्स मत कीजिएगा इस तरीके से कि अंडों का कचूवर बन जाए। आराम आराम से हमने इसे मिक्स करना है, अंडों को तोड़ना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मिक्स मैंने नहीं किया है, मैंने बस जो ये प्याज टमाटर की भुर्जी थी ना वो मैंने अंडों में एक तरीके से लटपटा सी दी है। तो अब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और ऐड करूंगी, थोड़ा सा धनिया और ऐड करूंगी, और एक कटी हुई हरी मिर्च और ऐड करूंगी। तो अब इसे मैं फिर से कवर कर रही हूँ, और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे हम फिर से कुक करेंगे। तो बस अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सब्जी रेडी है, अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो रेडी है हमारा ड्राई मसाला एक दोस्तों, इसे हमने बस धनिया पत्ते से गार्निश किए। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे आप भी ट्राई कीजिएगा, खुद खाइएगा, अपने दोस्तों को खिलाइएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था आपका ड्राई मसाला एग। इसी के साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।